नमस्कार, दिल्ली दर्शन के इस सफर में हम आ पहुँचे अपने दूसरे स्टॉप पर, हुमायूं टॉम। तो चलिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर इस जगह की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। हुमायूं के मकबरे से करीब 20 साल पुराना एक और मकबरा 1547 में बना था, जिसे ईसा खान का मकबरा कहते हैं। ईसा खान हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु शेरशाह सूरी के दरबार में अमीर थे। ये मकबरा अष्टकोणीय है, जिसे गुंबजों, टाइलों और जालियों से सजाया गया है। यहाँ आते ही हम सबसे पहले आ पहुँचे हैं ईसा खान के मकबरे पर। ये मकबरा और उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद, ये दोनों ही ईसा खान ने अपने जीवन काल में बनवाई थी। इस मस्जिद में आकर लोग उस समय नमाज पढ़ते थे और उसकी ठीक साइड में आप देख रहे होंगे दीवार है और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये उस टाइम पे यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे, तैनात रहते थे वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। और कहा जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक यहाँ पर एक गांव बसा हुआ करता था। इस मकबरे में सैयद और लोदी डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का मिश्रण देखा जाता है। 2011 में 3,25,000 स्क्वायर फीट खुदाई करने पर उस समय की कलाकृतियां निकली, जिनमें इमारतों के भाग भी मिले। इस मकबरे के अंदर ईसा खान के अलावा उनकी बेगम और परिवार के बाकी सदस्य की भी कब्रें हैं। कुछ ही दूरी पर बुहलीमा का सफ़ेद विशाल दरवाज़ा है, जिसका रास्ता बुहलीमा के बगीचे की ओर जाता है। 19वीं शताब्दी में बगीचे की पश्चिमी दीवार के हिस्सों को तोड़कर प्रवेश बनाया गया। बुहलीमा बाबर के दरबार की महत्वपूर्ण सदस्य मानी जाती हैं, हालांकि इतिहास में इनका वर्णन बहुत ही कम किया गया है। ठीक उसके बगल में है 14 मीटर ऊंचा अरब सराई दरवाज़ा। लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से किए गए इंटीरियर के कारण ये दरवाज़ा हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स में टूरिस्ट के अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। ये है अरब सराई। कहते हैं जब हुमायूं का मकबरा बन रहा था तो पर्शिया से शिल्पकार मंगाए गए थे, उन शिल्पकारों को अकोमोडेट करने के लिए ये जगह बनवाई गई। जब हुमायूं की पहली बीवी हाजी बेगम तीर्थ यात्रा से वापस आई तो अपने साथ अरब और फारसी विद्वानों और मजदूरों को लेकर आई। इन लोगों के रहने के लिए ये सराय बनाया गया, इसलिए इसका नाम अरब सराय पड़ा। अरब सराय को लेकर कई कहानियाँ हैं। इससे जुड़ी एक कहानी है कि जब बहादुर शाह जफर ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुपकर भाग रहे थे तो उन्हें इसी अरब सराय में छुपने को कहा गया था, पर वो हुमायूं के मकबरे में जा छुपे और बाद में पकड़े गए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं के मकबरे तक जाने का रास्ता वेस्ट गेट से होकर निकलता है। ये दरवाज़ा 16 मीटर ऊंचा है, जिसमें दो कक्ष बने हुए हैं और ऊपरी मंजिल पर एक छज्जा भी बना है। हुमायूं एक ऐसा नाम है जो इतिहास में अचीवमेंट्स के लिए कम और स्ट्रगल के लिए ज़्यादा जाना जाता है। सन 1540 में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने भारत में दूसरी अफगान डायनेस्टी की नींव रखी, जिसके कारण हुमायूं देश छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने हामिदा बानू बेगम से निकाह किया और 1555 में हामिदा बेगम के परिवार और उनके सेना की मदद लेकर भारत में मुगल शासन को फिर से कायम किया। हालांकि 6 महीने बाद 1556 में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ताजमहल को तो आप सब जानते होंगे, जो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया, पर ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि हामिदा बेगम ने अपने शौहर हुमायूं के लिए मकबरा बनवाया। कहते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्शियन आर्किटेक्चर जो इंडिया में देखी जाती है वो इसी हुमायूं के मकबरे में देखी जाती है। अब मुझे इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि इसके अंदर 100 कब्रें हैं, जिस वजह से इसे डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि लाल पत्थर और संगमरमर का इतनी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल पहली बार हुमायूं के मकबरे को बनाने में ही हुआ। ये मकबरा उस वक्त के आर्किटेक्ट मिर्जा घायक ने डिज़ाइन किया था। मकबरे की खूबसूरती उसके आसपास के बगीचे से और भी बढ़ जाती है। बाग में बहते पानी का भी विशेष महत्व है। ये धाराएं पवित्र कुरान में बताए गए जन्नत की नदियों के समान हैं। इन धाराओं से ये बाग 8 भागों में बढ़ जाता है, जिसके बीचों बीच 9वें स्थान में हुमायूं का मकबरा स्थित है।
दिल्ली की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। हम इसे जितना जानते जा रहे हैं हमारी क्यूरियोसिटी से जानने की और बढ़ती जा रही है। तो फिर मिलते हैं अगले स्टॉप पर, फिर कहीं और।